हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक Xiaomi डिवाइस की यूजर है तो आपके फ़ोन में भी जरूर गेमिंग खेलते वक्त या फिर फ़ोन पॉकेट में रखते वक्त या फिर चार्जिंग के वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा ठंडा रख सकते हैं और आप अपने फ़ोन के हीटिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा और साथ ही साथ आपके फ़ोन में स्टोरेज भी खाली हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप एक Xiaomi डिवाइस की यूजर है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी टाइप की वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ टोटल डिटेल्स मिल जाएगा कि आपका कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है और कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी ड्रेन कर रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक हाई कैपेसिटी लोकेशन मोड आपको एक देखने को मिलता है, उसमें क्लिक भी आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, उसमें आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 8:35 मिनट्स, मतलब आप इसे अगर ऑप्टिमाइज कर देंगे अच्छे से तो ये 35 मिनट्स आपका ज़्यादा चलेगा, मतलब लगभग आधा घंटा आपका फ़ोन ज़्यादा चलने वाला है। तो उसे ऑप्टिमाइज कर दीजिए। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है लोकेशन। उसके बाद लोकेशन जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर सबसे ऊपर लोकेशन मिल जाएगा, तो सबसे फर्स्ट वाले में आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, पहले आपका डिफ़ॉल्ट ऊपर वाले में सेट होगा। उसके बाद उसे क्लिक करके आपको यहाँ पर बैटरी सेविंग में आपको क्लिक करना है। तो बैटरी सेविंग में दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पर लोकेशन जो है ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं करेगा बैकग्राउंड में, जिससे कि आपका फ़ोन हीटिंग बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक आपका फ़ोन ठंडा रहने वाला है। तो इसे सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से बैक कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से आपको सिक्योरिटी में जाना है और बैटरी एंड परफॉर्मेंस में फिर से क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको शेड्यूल पावर ऑफ ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम एक सेट कर लेना है, जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट में आप सेट कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कितने बजे स्विच ऑन होगा और सेकेंड में नीचे में जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कितने बजे आपका फ़ोन ऑन होगा, मतलब ऑफ होगा और ऑन होगा। तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर लीजिए। आप करीबन रात को 11-12 बजे के आसपास टाइम रख दीजिए स्विच ऑफ होने का, और उसके बाद सुबह में स्विच ऑन होने का टाइम आप रख सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 बजे आप टाइम रख सकते हैं, तो मैंने 6 बजे रखा है, आप देख सकते हैं। तो उससे भी आपका क्या होगा कि बैटरी आपका काफ़ी हद तक आपका रात भर आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, और जब आपका फ़ोन आपका उठने का समय होगा तो आपका फ़ोन भी स्विच ऑन हो जाएगा, जिससे कि रात भर आपका बैटरी ड्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका फ़ोन भी हीट रात भर नहीं होगा। और फ्रेंड्स, बैटरी हीट होने का एक और बहुत बड़ा कारण है चार्जर। उसमें होता है क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग पुराना चार्जर यूज़ करते हैं, कोई दूसरा थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करते हैं, कोई लोकल वाला चार्जर यूज़ करते हैं, जिसके वजह से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और बैटरी को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। तो हमेशा आप ओरिजिनल चार्जर का ही यूज़ करें, जिससे कि आपका बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहे और फ़ोन का परफॉर्मेंस भी उससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और बैटरी का लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि फ़ोन जब ज़्यादा हीट हो जाए तो फ़ोन को फ्रिज में डाल दो या फिर वाटरप्रूफ है तो पानी में डाल दो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फ़ोन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होने के बाद अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे अचानक से, तो बैटरी के फटने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, जिससे कि आपका फ़ोन पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करते वक्त आप कवर का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कवर के वजह से क्या होता है कि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, उसे आपका जितना हीटिंग है उसका बाहर नहीं निकल पाता, जिससे कि आपका फ़ोन भी हार्म हो सकता है। इसीलिए कभी भी आप चार्जिंग करते वक्त या फिर आपका गेमिंग खेलते वक्त बैक कवर लगाकर बिल्कुल भी मत रखिएगा। इससे आपका फ़ोन काफ़ी कम हीट होगा, उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा और आपका फ़ोन का हेल्थ और बैटरी का हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक के लिए आपको फिर से सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप बैटरी सेवर में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐप बैटरी सेवर में क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सारा आपका एप्लीकेशंस आ जाएगा। उसके जितने भी आपके बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका पबजी हो गया, फ्री फायर होगा, उनमें क्लिक करना है। उनके बाद आपका यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट में कोई सा भी सेट हो सकता है, मगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेटिंग चेंज करना है। आप यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट बैटरी सेवर ऑन करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स ऑन करेंगे तो इसमें होगा फ्रेंड्स क्या, यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्का फुल्का माइनर सा आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब नोटिफिकेशन जाएगा बाकी सब चीज़ बंद हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन भी तक भी नहीं जाएगा, हर चीज़ बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट बैटरी सेवर आप बैटरी एक्टिविटी आपको यहाँ पर ऑन कर देना है, जिससे कि होगा क्या कि आपका बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी रन नहीं कर पाएगा जब आप उसे ओपन करेंगे, सिर्फ तभी आपका वो ओपन हो पाएगा। और जैसे कि व्हाट्सएप हो गया जिसका कि आपको नोटिफिकेशन का जरूरत है, वहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स में यहाँ पर मिडिल वाले में क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा आपका पसंद, जैसा आपका एप्लीकेशन, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइजेशन करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी स्कैन भी करते रहना है और बैटरी स्कैन भी आपको हर मतलब हर रोज़ एक बार तो कम से कम कर ही लेना है, जिससे कि आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और बैटरी बैकअप भी आप बैटरी का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, सारा चीज़ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी स्कैन, कैचिप डेटा, सारा स्कैन आपको रोज़ के रोज़ कर लेना है, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपका फ़ोन चलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। तो फ्रेंड जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से अगर यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा चलने वाला है और आपका फ़ोन हीट भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स इसको ट्राई करने के बाद ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये सभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और इस सभी ट्रिक को यूज़ करने के बाद आपका फ़ोन में कुछ फ़र्क पड़ा या फिर पहले की तरह ही चल रहा है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए। और दोस्तों क्योंकि इस चैनल में आपको इसी टाइप की वीडियो में से देखने को मिलती रहती है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।